हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्यूटी विद गरिमा। आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ मैंगो फेशियल। आप लोगों को सुनकर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा कि आम का फेशियल। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कई तरह के कॉस्मेटिक्स में आम फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में कई तरह की आम के फेशियल अवेलेबल है और कई तरह की आम की फेस वॉश भी मिलती है। बट आज जो मैं आपको फेशियल करने जा रही हूँ बहुत ही ज्यादा सस्ता है और घर पर ही आसानी से ही बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए और ये बिल्कुल फ्री भी है। स्क्रब बनाने के लिए आपको चाहिए एक चम्मच आम। आप अच्छी तरह से आम लेकर उसे मिक्सी में पीस लीजिए। और आपको चाहिए एक चम्मच चीनी और आपको चाहिए एक चम्मच दूध। अगर कच्चा दूध हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे अच्छी तरह से हिला लीजिए। अब स्क्रब रेडी हो गया है, आप इसे अपने फेस पर लगा सकते हो। अब इस स्क्रब को अपने फेस पर लगाकर अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए। अगर आपको स्क्रब के स्टेप नहीं आते तो मैंने वीडियो के नीचे अपनी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके स्क्रब के स्टेप सीख सकते हो। आम के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी होता है। विटामिन सी हमारी एजिंग को रोकता है। ये स्क्रब आपके फेस की रोमडियों में जाके आपके फेस की डेड स्किन को रिमूव करता है। ये स्क्रब लिप्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इससे अपने लिप्स पर भी स्क्रब कर सकते हो। ये आपके लिप्स की ब्लैकनेस को कम करेगा। 15 से 20 मिनट तक मसाज करने के बाद आप अपना फेस अच्छे से सिंपल पानी से धो लीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप है फेस क्रीम। फेस मसाज क्रीम को बनाने के लिए आपको चाहिए एक चम्मच आम और एक चम्मच दही। आप दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कम से कम 5 मिनट तक आप इन दोनों को हिलाइए ताकि ये अच्छी तरह से क्रीम बन जाए। मिक्स करने के बाद आप इन दोनों को अच्छे से हिलाइए। अब ये क्रीम तैयार हो गई है। अब हम इससे अपने फेस पे मसाज करेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें मलाई भी मिला सकते हो। अच्छे से आप गोल गोल घुमाते हुए अपने फेस पे मसाज कीजिए और 10-15 मिनट के बाद अपना फेस सिंपल पानी से धो लीजिए। इस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और एक चम्मच आम। आप दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 5-10 मिनट तक इन दोनों को आपस में हिलाइए ताकि ये आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। जब ये अच्छे से मिल जाएं तो आप इनमें थोड़ा सा 2 बूंद रोज वाटर मिलाइए और इसे अच्छी तरह से हिला लीजिए। अब ये फेस पैक रेडी हो गया है। अब आप इसे अच्छी तरह से अपने फेस पर और गर्दन पे लगा लीजिए। आप चाहें तो इसे अपने हाथों पे लगा सकते हो। ये आपके हाथों की टैनिंग दूर करेगा। ये फेस पैक टैनिंग दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। गर्मियों की वजह से जो आपकी फेस पे टैनिंग हो जाती है ये उसे दूर करता है। आप इसे 20 मिनट तक लगा रहने दें और उसके बाद अपना फेस सिंपल पानी से धो लीजिए। फेस धोने के बाद आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितनी ज़्यादा शाइनिंग आई हुई है और मेरी स्किन पहले से ज़्यादा और ग्लोइंग हो गई है। और मैंने इस टाइम अपने फेस पर कोई भी फाउंडेशन और कुछ भी नहीं लगाया हुआ। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों की हेल्प हो पाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।